खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सोनू बाली की राम राम। फिलहाल मौजूद हाँ आप सेक्ट्रेट में कैथल, और कैथल जिस मामला की लेकर इकट्ठे हो रहे हैं, जयवीर शर्मा जो SHO हैं उसको पकड़ा गया है, जबकि कुछ बरामद नहीं हुआ है। अपने साथ में एक भाई साहब हैं जिसकी पूरा वाक्या पता है, और कुछ अलग बातें हैं इनके पास में जो शायद आम जनता को नहीं पता है। यू कौन सा खेल चल रहा है? राम राम भाई साहब। राम राम जी। मैं हरदीप सिंह, गांव बदसुई से, तहसील गुला है मेरी। हाँ जी, तो आपने भाषण के दौरान भी कुछ बातें बताई थी, तो मैं चाहूंगा आप दोबारा बताओ भी किस तरह से इसका आपने लगा है कि भी इसमें साजिश है। हमारे चीका के अंदर, चीका के आसपास गांव है, वहाँ हमारे शराब के ठेके हैं, वहाँ हमारा परसों जो QRT की टीम होती है वो हमारा 18 बोतलों का चलान करके गई थी। हम उसमें हमारे जो करिंदा था उसकी जमानत करवा के लेके आए थे, और उसमें एक साइन रह गया था हमारा, मेरा एक बड़ा भाई है ओम प्रकाश बुद्धू, वो साइन करवाने के लिए वहाँ गया हुआ था, वो मौके पर मौजूद था जब ये सारा वाक्य हुआ। जिस टाइम इंस्पेक्टर, विजिलेंस के इंस्पेक्टर और ये जो शिकायत करते चांदराम वो वहाँ पहुँचे, तभी उन्होंने SHO साहब को हाथ मिलाया, कोई पैसे नहीं दिए, इतने में उनको दबोच लिया, तभी उन्होंने कमरे में ले गए और उसके तलाशी ली। परंतु 4-5 घंटे की उसकी तलाशी के बाद भी टीम 5,000 रुपये बरामद नहीं कर सकी। अगर होते तो बरामद हो जाते, क्यों मौके पर दबोच लिया? अगर भाग जाते तो कुछ भी कह सकते थे, परंतु मौके पर दबोच लिया और कोई रिकवरी नहीं हुई 5 घंटे के अंदर। इस कारण अगर पैसे होते तो मिल जाते, इस कारण हम प्रशासन से मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए। तो आपने क्या लगा इसका पास से किसी विधायक का हाथ भी बताया जा रहा है भाई उसका है, तो आपने क्या लगा इसका? एक मामला देखिए चेक का, कुलवंत बाजीगर है उस पर, जिस पर रेप के आरोप लगाए थे उस औरत ने, उसका चेक उठाकर उसने कोर्ट में लगाया हुआ है किसी आदमी से लेकर, उस चेक की जो उसने दरखास्त दी थी SP के साहब के पास, वो दरखास्त बगी गुला थाना में, वो लेडीज यहाँ पेश होगी कि सर ऐसे ऐसे बात है भाई, मेरे केस ट्रांसफर किए, उन्होंने गुला SHO की बजाय चीका SHO को ट्रांसफर कर दिया। जयवीर SHO ने पूरी इंक्वायरी करके उनको कह दिया कि आप दोषी हो भाई, इस महिला का चेक दो वापस। उस दबका दिए वो अपनी बेइज्जती महसूस करके, जिस कारण ये खुंदस में ये काम करवाया, ये काम इस साजिश के तहत हुआ है कि आप लोग मेरे को विधायक नहीं समझते। पूर्व विधायक जंगीराम तरसेम, ये तीन आदमी शामिल है, ये चांदराम तो मोहरा है, ये पहले भी 2004 से ऐसे ही लगे हुए हैं। पहले इन्होंने मोनू खन्ना, फिर SDO तरसेम, इनको रेडेंडेंट करवा के किसी से करवा देते हैं और बाद में पैसे से मांग कर लेते हैं। फिर उन्होंने चांदराम ने एक SDM गुला का रीडर था वो पकड़वाया। अब ये अब भी सुबह जब चांदराम से किसी साथी ने बात करी तो 25 लाख रुपए की डिमांड गई कि 25 लाख रुपए दो तब मैं ये काम करूंगा, नहीं मैं ऐसे ही जो भी हुआ है ठीक हुआ है बस। तो कहीं ना कहीं आपने भी लगा है कि राजनीति प्रेरित जो साजिश है वो करी गई है, कि भाई एक राजनेता की बात नहीं माननी, इस चीज का बड़ा एटीट्यूड है कि भाई राजनीति एक ऐसी चीज है, अगर राज और खास का कहीं ना कहीं अपना मजा हुआ है, अगर उसमें राजकरण में उसकी मजा नहीं आया, और इस वजह से इस ईमानदार अधिकारी को पकड़वाने के लिए इस तरह की साजिश का जो रचना अपने आप में संदेह पैदा करा है कि भाई हाथ मिलाना वो उसका उसका हाथ का पहले रंग लग रहे हो किसी का हाथ में मिला लिया। पहले ही इन्होंने पहले ही जंगी है जो ये शुरू से ही काम करता रहा है, इसके पास पाउडर भी हो सकता है, ये भी नहीं पता, पाउडर पहले भी हो सकता है, क्यों ऊंची पहुंच है? आप देखिए कैसे चौकी गिरफ्तार करने DIG को आना पड़ा। अगर कोई आदमी गिरफ्तार होता है तो लोग लड्डू बांटते हैं, और पहला हमारे जिंदगी में पहला ऐसा मामला है कि किसी जो भ्रष्ट मतलब भ्रष्टाचार में पकड़ा गया आदमी और उसके लिए जनता इतनी सड़कों पर उतरी हो, पहली बार मामला मेरी जिंदगी में पहली बार है। एक ईमानदारी, ये सिर्फ जयवीर SHO जो पंडित जाति से हैं, परंतु इसमें 36 बिरादरी के लोग आए हुए हैं, उन्होंने कभी भी बिरादरी बेस पर कुछ नहीं किया, हमेशा भाईचारे का संदेश दिया उन्होंने, चाहे किसी जाति से बगे उन्होंने हमेशा ही सम्मान किया है, इसी कारण आज लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। कहीं ना कहीं साजिश का शिकार बताया जाने लग रहा है जो जयवीर जो SHO है उसको साजिश के तहत फंसाया गया है। भाई का कहना है कि 25 लाख रुपए की डिमांड पहले भी हुई है और इस प्रकार से हाथ मिलाया जो मौका पर मौजूद थे, इनका जो चलान हुआ था उसको छुड़ाने के लिए गए थे ये, और साइन वगैरह कोई रह गए थे जो करने है, मौका पर चश्मदीद है वो, तो वो सारा ओम प्रकाश ने दरखास्त भी दी है कि हमारे सामने आप अंदर ले गए उसको, अगर आपके बरामदी नहीं है तो इसको छोड़ो, जांच की भी मांग की थी कि हमारे सामने इसकी तलाशी ली जाए, परंतु कोई सुनी नहीं गई, हमारी DDR कटी हुई है, हम चीका थाना में हमने पूरा जोर लगाया परंतु अधिकारी ने कुछ नहीं सुनी, कि ऊपर राजनीति प्रेशर था इस कारण ये शिकार हुए हैं जयवीर सर। तो आपने लगा है कि ये जो जितने भी हैं अगर
जो प्रशासन के अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, उनका रहना ही मुश्किल है इसका मतलब? बहुत मुश्किल है जी। आप देखिए कैथल जिले में ऐसे ऐसे अधिकारी पड़े हैं जो आदमी की गर्दन पर पैर टेक कर पैसे मांगते हैं, उनको कोई कुछ नहीं कहता। एक ईमानदार आदमी को जिनकी लाखों शिकायत करी हुई है रामेर काजल ने, मैंने भी बहुत अधिकारियों की शिकायतें की हैं कि ये सारे भ्रष्टाचार है, तहसील में श्रीआम भ्रष्टाचार है, भाई फलानी जगह है, परंतु कोई सुनवाई नहीं होती। जब एक ईमानदार आदमी की जो रिश्वत इनको नहीं पहुँचाता उसकी कार्रवाई ऐसे की जाती है। अपने आप में भाई न्याय व्यवस्था पर भी कहीं ना कहीं सवाल उठा है कि अगर ईमानदार लोग ही इस प्रकार से शिकार होंगे तो आप खुद समझ सको हो कि भाई न्याय व्यवस्था पर किसका विश्वास रहेगा? बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और यहाँ भी इतनी देर हो चुकी है, ना डीसी नीचे आया, ना एसपी नीचे आया है विज्ञापन लेने के लिए। आप एक देखियो, जब भी कोई बिजनेस की टीम कहीं छापा मारती है तो डीसी साहब से परमिशन लेके जाती है। डीसी साहब को बिल्कुल पता था क्या बात है क्या नहीं, और एक छोटे से बुलावे पर एसपी कैथल चीका पहुंच जाते हैं 15 मिनट के अंदर अंदर। क्या यहाँ सैकड़ों लोग, हजारों लोग नीचे आए हुए हैं, क्या ज्ञापन नहीं ले सकते? एसपी साहब ने खुद उनको सम्मानित किया कि ईमानदारी के लिए। कहीं जगह अगर भ्रष्टाचार भ्रष्ट होते तो कौन एसएचओ लगाता है, कौन क्यों? इसी कारण इसने बिजली जो चांदराम था वो गलत काम करवाना चाहता है, थाने में प्रेशराइज करना चाहता है, इस करके आज ये सारी कार्रवाई राजनीति के तहत हुई है भाई साहब। बिल्कुल गलत हुआ। तो देखने वाली बात ये है कि भाई क्या वाकई में जयवीर जो शर्मा है एसएचओ, उनको न्याय मिलता है या फिर एक बार फिर किसी ईमानदार अफसर का गड़ा घोट दिया जावा है और उसकी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जावा है। यू आने वाली जो स्थितियां हैं वो निर्धारित करेंगी। जो अपने विचार हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दियो और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।